हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्लांट किंगडम। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग टेरिडोफाइट्स की स्टडी करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये टेरिडोफाइट टर्म है ये किसने दिया। तो टर्म टेरिडोफाइटा वॉज प्रपोज्ड बाय हीकल। तो जो ये टर्म है ये किसने प्रपोज की, प्रपोज्ड बाय हीकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो स्टडी है टेरिडोफाइट्स को क्या बोला जाता है। सो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा known as टेरिडोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जैसे कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट हम टेरिडोफाइट्स के करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो कि मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं टेरिडोफाइट्स के, वो कौन कौन से हैं। तो मेन करैक्टर्स characteristics of pteridophytes। ठीक है, तो main characteristics पे अगर हम आए तो हमारे सामने जो first characteristics आता है pteridophyte का वो ये है कि pteridophytes को हम vascular cryptogamous बोला जाता है। यानी कि ये किस तरह के plants हैं, ये vascular है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस यहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है, क्रिप्टो गेमस बोला जाता है। दैट मीन कि यहाँ पे हमें फर्स्ट टेरिडोफाइट जो होते हैं वो वास्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स आर वास्कुलर प्लांट्स। ठीक है, दैट मीन इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स है इनके अंदर वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम के अंदर तो बेसिकली वेसल्स एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट थी। तो जाइलम में कौन एब्सेंट है, वेसल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स ये क्या थी, एब्सेंट है। किसके अंदर, वेसल्स तो किस में है, जाइलम में, और कंपेनियन सेल किसके अंदर एब्सेंट होती है, फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको एज अ यूज़ कैसे किया जाता है, या फिर ये बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो करते हैं। इनका कुछ हद तक मेडिसिनल पर्पस भी रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छे सोइल बाइंडर्स होते हैं। सो टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर देखें तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो है वो किस तरीके से यूज होते हैं, आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल, इनका पर्पस रहता है, एंड ये बहुत अच्छे एज अ सॉइल बाइंडर है एंड ग्रो करते हैं एज अ ऑर्नामेंटल।
ठीक है, तो सॉइल बाइंडर भी है, ऑर्नामेंटल भी है और मेडिसिनल पर्पस भी इनका रहता है। टैडोफाइट्स जो है वो अडप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है एज कम्पेयर टू मोर अडप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। रीज़न क्या है, क्योंकि हम टैडोफाइट्स को क्या मान के चलते हैं, टैडोफाइट्स आर मोर अडप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स, बिकॉज ये एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है क्यों। तो इसका जो फर्स्ट रीजन तो ये है कि ये वास्कुलर प्लांट्स है, भले ही इनके अंदर अभी वेल डेवलप नहीं है लेकिन वास्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस हमारे सामने रहती है, इज प्रेजेंट इन टैडोफाइट्स, रिडोफाइट। एंड सेकंड जो है दे हैव रूट, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन सॉरी स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी लेकिन रूट की जगह वहाँ पे राइजोइड्स की प्रेजेंस थी, लेकिन यहाँ पे एडवेंचियस रूट की प्रेजेंस क्लियर कट देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ इनके पास वास्कुलर टिश्यूज है, दूसरा इनके पास रूट्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये मोर अडप्टेड माने जाते हैं एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। ठीक है, वो आगे देखें, डैडोफाइट जो होते हैं आर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, बिकॉज इनको भी कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इसी वजह से जो टैडोफाइट्स का हैबिटेट है वो वैरी नहीं करता, या फिर वास्ट हैबिटेट नहीं देखने को मिलता, ये सिर्फ कूल एंड शेडी प्लेस के अंदर ही ये देखने को मिलते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो टैडोफाइट्स है दे आर नॉट कंप्लीटली successful, not completely successful terrestrial plants because they need water for fertilization. ठीक है, सो टेरिडोफाइट्स ग्रो इन कूल शेडी एंड मोइस्ट प्लेस, क्योंकि इनको अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इनके नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ठीक है, तो इनका जो हैबिटेट है वो भी लिमिटेड था, हर कहीं टेरिडोफाइट्स की प्रेजेंस नहीं देखने को मिल रही, सिर्फ कुछ ही जगह पे जहाँ पे कूल शेडी और मॉइस्ट प्लेस प्रेजेंट होता है वहीं पे टेरिडोफाइट्स की क्या देखने को मिलती है, प्रेजेंस। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टैडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो कम्प्लीटली क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। तो जो अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, तो प्लांट बॉडी इज कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड है, कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड किसके अंदर, तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगी, हमें यहाँ रूट भी देखने को मिलेगा, स्टेम भी देखने को मिलती है और लीव्स भी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो रूट्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्राइमरी रूट्स रहती है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, आफ्टर सम टाइम दे आर रिप्लेस्ड बाय एडवेंचियस रूट। सो आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो प्राइमरी रूट्स हैं रिमेन
remains alive for short period. ठीक है, कुछ टाइम बाद में वो रिप्लेस हो जाती है आफ्टर सम टाइम इट इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंचियस रूट. तो आप यहाँ पे जो रूट है वो बेसिकली कौन सी देखने को मिल रही है, एडवेंचियस रूट देखने को मिल रही है. देन हम आते हैं इनके स्टेम पे. तो जो इनका स्टेम है वो इरेक्ट होता है और प्रोस्टेट भी हो सकता है, यानी कि जो रैंक के चलने वाला पूरा लेटा हुआ सरफेस पे, सॉइल सरफेस पे. ठीक है, और इनका जो स्टेम है, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड भी हमें देखने को मिलते हैं, अंडरग्राउंड जो स्टेम है विच इज नोन एज, उनको क्या बोला जाता है, राइजोम बोला जाता है, राइजोम. ठीक है, फिर आती है लीव्स. ठीक है, लीव्स जो है यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. लीव्स जो है वो दो टाइप की लीव्स होती हैं, इनके अंदर दो टाइप की लीव्स हमें देखने को मिलती है. एक तो छोटा उनके अंदर लीफ रहती है, एक में लार्जर लीफ रहती है. ठीक है, तो अगर लार्जर लीफ है तो मेगा फिलस बोला जाता है, और अगर शॉर्ट लीव्स होती हैं उनको हम माइक्रो फिलस के नाम से जानते हैं. तो पहली हम यहाँ पे लेते हैं वो कौन सी है, मेगा फिलस. ठीक है, मेगा फिलस लीफ की क्या क्वालिटी होती है, मेगा फिलस लीफ जो होती हैं लीव्स इनके अंदर क्या होंगी, आर लार्जर. ठीक है, बड़ी होती है. प्लस इनका अगर हम स्टेम देखें, स्टेम जो होता है ऐसी लीव्स वालों का स्मॉलर होता है. एग्जांपल की बात करें मेगा जो है फिलस की, तो फर्न्स इनके एग्जांपल्स में रहते हैं. ठीक है, सेकंड टाइम जो लीव हमें देखने को मिलती है सेकंड, वो कौन सी है, माइक्रो फिलस लीव होती है. माइक्रो फिलस लीव्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, इनकी जो लीव्स है आर स्मॉलर होती है, बट इनका जो स्टेम होता है वो आर लार्जर होता है. ठीक है, एग्जांपल हम देखें यहाँ पे तो सिलेजिनेला एग्जांपल रहता है, सिलेजिनेला. ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है रूट स्टेम एंड लीव्स में. रूट के अंदर एडवेंचियस रूट होती है, स्टेम इनका इरेक्ट अंडरग्राउंड और प्रोस्टेट तीनों कंडीशन में देखने को मिल सकता है. लीव्स बड़ी भी हो सकती हैं, बड़ी है तो मेगाफिलस और छोटी है तो उनको माइक्रोफिलस के नाम से हम जानते हैं. तो इस तरीके का हमें इनकी जो प्लांट की स्ट्रक्चर्स है वो हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट देखें कि इवोल्यूशनरी फॉर्म में अगर हम देखा जाए कि इवोल्यूशनरी फॉर्म में जो टेरेस्ट्रियल फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे टेरिडोफाइट, जिनके पास वास्कुलर बंडल थे, रूट स्टेम और लीफ अच्छे से डिफरेंशिएटेड थी. ठीक है, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या है, डिप्लॉयड रहती है, टू एन होती है और स्पोरोफाइट्स है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हम गैमेटोफाइट फेज मेनली पढ़ते हुए आए थे. गैमेटोफाइट फेज जो है वो मेन डोमिनेंट फेज हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है, डोमिनेंट वो फेज कौन सी है, स्पोरोफाइट. एज अ डिप्लोइड फेज यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है. ठीक है, तो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो,
क्योंकि इंडिपेंडेंट फेज भी है स्पोरोफाइट। अगर ब्रायोफाइट्स अगर याद हो तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड कर रही थी गैमेटोफाइट के ऊपर, या तो कम्प्लीटली या पार्शली डिपेंड कर रही थी, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया इनकी रूट एडवेंशियस है, बॉडी जो है मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट है, और लीव्स भी इनकी दो तरह से देखने को मिलती है, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिलस के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी जो लीफलेट्स हो या लीव्स होती हैं, इनके अंदर एक और टाइप भी हमें देखने को मिलता है लीव्स का, वो मैं ये बता देती हूँ। थर्ड टाइप जो यहाँ पे लीव देखने को मिलती होती है वो है स्पोरोफिलस, ठीक है। स्पोरोफिलस क्या है अगर मैं बताऊँ तो, स्पोरोफिलस वो लीव्स होती है जो स्पोरेंजिया को बेयर करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिलस के नाम से बोला जाता है। तो यानी कि ये वो लीव्स है, लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स का, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। क्योंकि हमने टेरिडोफाइट्स के मेन मेन पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं, अगर रिपीट करें तो टेरिडोफाइट्स जो टर्म है वो हीकल ने दी थी। स्टडी जो है टेरिडोफाइट को, उसको हम टेरिडोलॉजी के नाम से जानते हैं, और इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो वो क्या क्या देखने को मिलती है, ये वास्कुलर क्रिप्टोगैमस थे, क्योंकि इनके पास ये ऐसे प्लांट थे अर्थ के जिनके ऊपर वास्कुलर बंडल की प्रेजेंस देखने को मिल रही थी, जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल्दो जाइलम के पास वेसल्स एंड फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स नहीं थी, ये मेडिसिनल पर्पज से सॉइल बाइंडर और ऑर्नामेंटल प्लांट थे। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो मोर अडप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट थे एज कम्पेरेटिव ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इनके पास एक तो वास्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस थी, दूसरा इनके पास रूट की भी प्रेजेंस देखने को मिल रही थी। ये ट्रूली सक्सेसफुल या नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, क्योंकि इनको अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इसीलिए बहुत ही स्पेसिफिक प्लेस में इनका हैबिटेट देखने को मिल रहा था, जैसे कूल शेडी और मोस्ट प्लेसेस के अंदर ही टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि इनकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड थी रूट स्टेम एंड लीव्स में, रूट्स के अंदर एडवेंचस रूट थी, स्टेम इनका इरेक्ट प्रोस्टेट या फिर अंडरग्राउंड एज ए राइजोम के फॉर्म में था, और लीव्स इनके अंदर मेगाफिलस, माइक्रोफिलस और स्पोरोफिलस के फॉर्म में देखने को मिल रही थी। मेगा के अंदर लंबी लीव्स थी, माइक्रो के अंदर छोटे लीव्स होती हैं, और स्पोरोफिलस लीव्स वो थी जो स्पोरेंजिया को क्या कर रही है, कैरी कर रही होती है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है इनको स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड थी, यही इनकी डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेज रहती है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से होता है। देखो क्लियर है कि टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम सबसे पहला पॉइंट कंसीडर करें तो प्लांट जो है टेरिडोफाइट्स वो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट है, ठीक है। कैसे प्लांट्स होते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड प्लांट होते हैं, ठीक है। सो दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन से ही ये बनते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन से बनते हैं, दैट मीन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होंगे, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो स्पोर से होता है। तो स्पोरोफाइट प्लांट से जो स्पोर बनते हैं वो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ टू टाइप्स के हमें पास ये देखने को मिलते हैं। एक तो होता है होमो स्पोरस, ठीक है, और एक होता है हेटरोस्पोरस, ठीक है। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है, मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो
आर होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, अब होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? होमोस्पोरस का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे होमोस्पोरस जो है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ जो थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, होमोस्पोरस ही हम कंसिडर करते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेटरोस्पोरस भी है। अगर होमोस्पोरस का एग्जाम्पल लें हमारे पास, तो होमोस्पोरस में एग्जाम्पल में आएगा हमारे पास लाइकोपोडियम। ठीक है, जो होमोस्पोरस रहते हैं उनमें कौन कौन से हैं, लाइकोपोडियम हुआ, लाइकोपोडियम टैडोफाइट है, और ड्रायोप्टेरिस एक्सेट्रा। ठीक है, हेटरोस्पोरस की बात करें तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल टैडोफाइट्स थे जो दो टाइप के, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स। तो टू टाइप्स में कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास आएगा माइक्रो स्पोर्स और एक क्या बनेंगे, मेगा स्पोर्स। ठीक है, माइक्रो स्पोर्स स्मॉल स्पोर होते हैं, और दूसरे कौन से बनते हैं, यानी कि ये तो होते हैं स्मॉल, और जो मेगा होते हैं वो लार्ज स्पोर होते हैं। ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, हेटरोस्पोर्स बोला जाता है। एग्जांपल देखें हम हेटरोस्पोर्स में, तुम्हारे पास आएगा सिलेजिनेला और साल्विनिया। इसके अलावा और भी प्लांट्स होते हैं जो कि हेटरोस्पोरस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरह के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं टैडोफाइट में स्पेसिफिक। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर जो है वो कहाँ होता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है वो कहाँ बनती है, तो स्पोरेंजिया है वो स्पेशल लीव्स के अंदर फॉर्म होती है, जिनको हम स्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ द लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी किया था कि उनको हम किस नाम से जानते हैं, आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, या फिर आप इनको रिप्रोडक्टिव लीव्स भी बोल सकते हो, रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल लीव्स होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, हमारी ट्रोफोफिल्स यानी कि वेजिटेटिव लीव्स होती हैं, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स या फिर मेगा फिलस या स्पोरोफिलस भी रहती है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की बात कर रही हूँ, वहाँ पे वेजिटेटिव की बात करें, वेजिटेटिव लीव्स कौन सी होती है, तो वेजिटेटिव लीव्स को हम बोलते हैं ट्रोफोफिलस। और ये ट्रोफोफिलस जो होते हैं ये वेजिटेटिव लीव्स होती हैं और काम क्या करती हैं, फोटो सिंथेटिक लीव्स होती हैं, और ये छोटे भी हो सकती हैं और बड़े भी हो सकती हैं। तो अगर ये बड़ी हैं तो इनको मेगाफिलस, और अगर ये छोटी होती हैं तो इनको माइक्रोफिलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमें पता चल गया कि जो स्पोरेंजिया जिन लीव्स में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिलस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो स्पोरेंजिया है वो कभी सिंगल नहीं बनते, स्पोरेंजिया हमेशा प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज नॉन एज ए सोरस, या प्लूरल फॉर्म में सॉरी के नाम से जाना जाता है। तो
स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सोरस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम एज ए प्लूरल फॉर्म में बात करें तो आंसर आएगा सॉरी। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो सॉरी है आर फाउंड ऑन स्पोरोफिल स्पोरोफिल्स, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोरेंजिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफिल जो होते हैं, स्पोरोफिल्स भी फोटोसिंथेटिक होती है, दैट इज अ वेरी वेरी यूनिक करैक्टरिस्टिक्स। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि ट्रोफोफिल्स ही फोटोसिंथेटिक होती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर ये एक बहुत ही यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होता है। मैं लिख देती हूँ इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल्स आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक एंड दिस इज द वेरी यूनिक करैक्टरिस्टिक्स इज ए यूनिक करेक्टर्स। ठीक है, ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा, ठीक है, तो इनकी स्पोरोफिल्स भी क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं। अब हमें पता चल गया कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है उनके ऊपर लीव्स होती हैं, उनमें से कुछ लीव्स के बीच में क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनती है। और स्पोरेंजिया के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है तो हम देखेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि हमने क्या बना दिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, और स्पोरेंजिया के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो कौन सा डिवीज़न करती हैं, ये मियोसिस डिवीज़न परफॉर्म करती हैं, स्पोरिक मियोसिस बोला जाता है, जिससे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन विद इन अ स्पोरेंजियम। ठीक है, बाय मियोसिस डिवीज़न जो कि स्पोर मदर सेल्स के अंदर होती है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं वो आगे जनरेट होते हैं, यानी कि स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेशन करते हैं, किसका, गैमेटोफाइट का, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है स्पोर्स से स्टार्ट हो जाएंगे, दीज स्पोर्स स्टार्ट द गैमेटोफाइटिक जनरेशन, या यूं बोल सकते हैं स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन होता है स्पोर का वो कैसा होता है, एग्जोस्पोरिक होता है, एग्जोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, यानी कि कहीं दूर जाके दूसरी जगह जाके ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। मतलब क्या हुआ, एग्जोस्पोरिक का मतलब होता है जर्मिनेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्पोरेंजिया इन अ सॉइल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जर्मिनेशन जो है टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्पोरेंजिया इन अ सोइल, कहीं दूर जाके स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट का
फॉर्मेशन करते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, गैमेटोफाइट। ठीक है, सो सॉइल के अंदर जो है ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं, स्मॉल मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इज फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ ईच स्पोर विच नोन एज ए प्रोथैलस। तो जो गैमेटोफाइट्स होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोथैलस है बेसिकली गैमेटोफाइट ही होता है, और प्रोथैलस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इनकॉन्सिक्यूएशंस होते हैं, स्मॉल है और मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट है, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट है। ठीक है, और ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ये सॉइल के अंदर फॉर्म होते हैं, इनकी फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट्स टेक प्लेस इन द सॉइल, देयरफॉर इट इज़ अ इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री, एंड मोस्टली जो प्रोथैलस होते हैं, मोस्टली गैमेटोफाइट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इंडिपेंड होते हैं, स्पोरोफाइट से इनका कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि दूर कहीं जाके स्पोर जर्मिनेट होके प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए, और ये मोस्टली फोटो सिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते होते हैं। ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ये इनको रिक्वायरमेंट होती है कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस की टू ग्रोथ। तो यानी कि इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कूल डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए होता है गैमेटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है एंड इनको वाटर की भी ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, और इनको आगे नीड होती है फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए ये ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जो स्प्रेड हुए लिविंग टेरिडोफाइट्स, इसीलिए इसी वजह से हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो लिमिटेड जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दी स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड restricted to narrow geographical region, हर जगह इनका habitat नहीं देखने को मिलता। ठीक है, यही वजह है कि इनके जो gametophytic generation है जिसको हम prothallus कहा जाता है, ये बहुत ही limited जगह होते हैं, छोटे होते हैं, multicellular gametophyte होते हैं, independent होते हैं, photosynthetic होते हैं, ग्रो करते हैं कूल डैम एंड शेडी प्लेस में, और इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि इनसे आगे जो फर्टिलाइजेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सो इन टेरिडोफाइट्स के अंदर जो प्रोथैलस जो है वो एज ए सेप्रोफाइटिक भी देखने को मिलता है, सेप्रोफाइटिक के फॉर्म में भी कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है इनका जो प्रोथैलस होता है। सो यहाँ पे देर इज नो रिलेशन बिटवीन द स्पोरोफाइटिक प्लांट और प्रोथैलस और जो है के बीच में, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, क्योंकि ये कहीं और ही जाके डेवलप होते हैं। जो प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट प्लांट होता है वो, इसकी अगर हम प्रोथैलस की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो प्रोथैलस होते हैं इनकी नाम से ही पता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो एज ए थैलस लाइक होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट्स जैसे थैलस लाइक होते हैं, और प्लस इनके पास राइजोइड्स की प्रेजेंस होती है जो कि सरफेस से इनको अटैच करके रखती है, और जो ये प्रोथैलस होते हैं वो बेसिकली नॉन वास्कुलर होते हैं, नॉन
वास्कुलर, क्योंकि ये कूल एंड मतलब वाटरी जो हैबिटेट है वहीं रहते हैं, तो इनको वास्कुलर बंडल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो प्रोथैलस और स्पोरोफाइट दोनों फेज बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग रहती है। तो यही कारण है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट एंड प्रोथैलस, जिसको हम एज ए गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्लांट किंगडम के अंदर बाकी यहीं पे ही ये गैमेटोफाइट है जो नॉन वास्कुलर है, बाकी इन प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट हमेशा ही जो है नॉन वास्कुलर देखने को मिलता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो नॉन वास्कुलर लिखा है ना, तो पूरे प्लांट किंगडम में सारे के सारे जितने भी गैमेटोफाइट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं इन प्लांट किंगडम। सो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर गैमेटोफाइट क्या होगा, मोनोशियस होगा, जबकि अगर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो वहाँ पे गैमेटोफाइट क्या होगा, डायोशियस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो ये प्रोथैलस है, नेक्स्ट हम देखें जो प्रोथैलस है यानी कि इनका गैमेटोफाइट है उसकी अगर हम बात करें, तो जो प्रोथैलस या फिर आप बोल सकते हो गैमेटोफाइट जो है होमोस्पोरस के अंदर तो कैसे होता है, मोनोशियस और मोस्टली, तो अगर होमोस्पोरस है, होमोस्पोरस है तो मोनोशियस है, और अगर हेट्रोस्पोरस है तो कैसा होगा, डायोशियस होगा प्रोथैलस। ठीक है, तो दैट मीन इस प्रोथैलस पे आगे सेक्स ऑर्गन्स जर्मिनेट होते हैं गैमेटोफाइट पे। तो प्रोथैलस पे किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होगा ऑफ सेक्स ऑर्गन्स का। ठीक है, अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके अंदर दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन और एक क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनते हैं। सिंपल है, अगर एंथ्रीडियम बन गया तो क्या बनेगा, एंथ्रीडियम से आगे क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, और जो आर्किगोनिया है वो आगे क्या बनाती है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहलाते हैं, एंथेरोजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रोजॉइड जो है स्पाइरल और मल्टीप्लेजिलेटेड होते हैं बेसिकली, तो बट एक्सेप्शनली जो स्नेक जिला है उनका स्पिंडल शेप और बायफ्लेजिलेट देखने को मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं, एंथेरोजॉइड्स बोला जाता है मेल गैमेट्स को, और एंथेरोजॉइड जो होते हैं वो स्पाइरल है और कैसे होते हैं, मल्टी फ्लेजिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको देखना पड़ेगा, एक्सेप्शन है यहाँ पे सिलेजिनेला, क्योंकि सिलेजिनेला का जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो एक तो स्पिंडल शेप के होते हैं और दूसरा बायफ्लेजिलेट होते हैं।
बायफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है। और इधर अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट के फॉर्म में क्या बनता है, एग का फॉर्मेशन बनता है जो कि आर्किगोनियम के अंदर बनता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये मेल गैमेट्स होते हैं ये फीमेल गैमेट की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, और ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की फिनोमेना देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक जो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेनली वाटर का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वाटर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जब फ्यूज़न होता है तो इस फिनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरीके का होता है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जूडियोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। और जूडियोगैमी फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली दो टाइप से देखा जाता है। जूडियोगैमी फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, तो यहाँ पे जूडियोगैमी फर्टिलाइजेशन होता है जिसके अंदर मेल गैमेट जो है वो कैसे मिलेंगे, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के फॉर्म में अगर बात करें, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जायगोट यहाँ पे टू एंड डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है और एक सिंगल सेल होती है। जायगोट फिर आगे डेवलप होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो जो है फिर जायगोट आगे किस में डेवलप होएगा, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और एम्ब्रियो जो है वो आगे क्या फॉर्म करता है, किसको डेवलप करता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट को ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ये डेवलप करता है, जिसके पास रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है। सो इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे लाइफ साइकिल देखने को मिलता है टेडोफाइट्स में। टेडोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमेना है वो ओगैमस टाइप की होती है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट जो है वो मोटाइल रहता है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो जो इनका लाइफ साइकिल है टेडोफाइट का वो किस तरीके से होता है, वो है डिप्लोहैप्लोंटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। क्योंकि मेन फेज इनकी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, देन हैप्लोइड फेज बनती है। यूनिक करैक्टरिस्टिक्स अगर लाइफ साइकिल ऑफ टेरोफाइट की बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। टेरोफाइट का जो यूनिक करैक्टर है, यूनिक करैक्टर की अगर हम बात करें, यूनिक करैक्टर ऑफ लाइफ साइकिल तो कैसा देखने को मिलेगा, इंडिपेंडेड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइट अपना अलग और गैमेटोफाइट यहाँ पे अपना अलग इंडिपेंडेंट साइकिल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इंडिपेंड ऑफ अल्टरनेशन है, मतलब स्पोरोफाइट एंड जो गैमेटोफाइट फेज होती है इनकी प्रोथैलस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। डायग्रामेटिकली हम देखें तो कुछ इस तरीके का लाइफ साइकिल आएगा, ये हम मान के चलते हैं क्या है, स्पोरोफाइट ऑफ टेरोफाइट यानी कि मेन प्लांट टेरोफाइट का जो क्या है, डिप्लॉयड है। इसके ऊपर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफिल्स बनती हैं, लीव्स होती थी, ये भी क्या होंगी, डिप्लोइड। स्पोरोफिल्स के अंदर क्या बनते हैं,
कॉन्स या फिर हम स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया भी टू इन है। स्पोरेंजिया के अंदर कौन बैठे रहते हैं? स्पोर, मदर सेल्स, ये भी टू इन है, ठीक है। अब ये जो स्पोर सेल्स होती हैं वो फिर आगे डिवीज़न करती हैं, कौन सा? मियोसिस डिवीज़न करती हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे हैप्लोइड फेज जो है हमारे पास आ चुकी है, यानी कि ये क्या है? हैप्लोइड स्टेज, ठीक है। अब ये स्पोर्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर के थ्रू, कहीं अलग अलग जगह चले जाते हैं, और यहाँ जाके ये क्या करते हैं? जर्मिनेशन होता है उनका, और जर्मिनेट होके ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोथैलस का फॉर्मेशन, यानी कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट बना है ये मेन प्लांट से कहीं अलग दूर जाके बनता है, और इस प्रोथैलस पे दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, एक तो आर्की गोनिया और एक बनता है एंथ्रीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रीडिया एज अ मेल और आर्की गोनिया एज अ फीमेल यहाँ पे बना है। ये भी हैप्लोइड है और ये भी हैप्लोइड है, और ये आपस के अंदर माइटोसिस डिवीजन करके एंथ्रीडिया तो एंथ्रो जॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इधर आर्किगोनिया एग का फॉर्मेशन कर देती है, ये भी हैप्लोइड है। और अब ये दोनों जो एग और एंथ्रोजॉइड्स हैं, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना देखने को मिलती है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जूडियोगेमी टाइप से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम दिखाते हैं, और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, तो यहाँ पे एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट का नाम दिया जाता है, ठीक है। और अब ये जायगोट आगे किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। ये भी डिप्लोइड है, और एम्ब्रियो फिर आगे किस में कन्वर्ट होता है? स्पोरोफाइट के अंदर। तो इस तरीके से हमें इनका लाइफ साइकिल देखने को मिलता है टैडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। सो अब आप यहाँ देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन कौन कौन सी है। तो ये जो आपके पास जनरेशन दिख रही है यहाँ तक, ये जो जनरेशन है वो कौन सी है? स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ठीक है, जो कि डिप्लोइड रहती है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो कि टू एंड रहती है, और जो नीचे की साइड में जनरेशन है हमारे पास, ये है गैमेटोफाइटिक, ठीक है। ये कौन सी है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, जो कि हैप्लोइड रहती है। तो इस तरीके से हमारा जो लाइफ साइकिल बनता है वो डिप्लो हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल इस तरीके से देखने को मिलता है। एज ए डायग्रामेटिक व्यू देखें, ये तो इनका इसका एज ए फ्लो चार्ट था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको एक पूरा लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। हम यहाँ पे मेन देखते हैं प्लांट, ये है फर्न प्लांट, ठीक है, और फर्न का स्पोरोफाइट हमें देखने को मिल रहा है। फर्न प्लांट के अंदर आपको एडवेंचरस रूट भी देखने को मिल रही है। जो टैडोफाइट्स के जो मेन प्लांट है वो इस तरीके से आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एज ए राइजोम है, एडवेंचरस रूट की प्रेजेंस है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो एज ए ब्रांच्ड फॉर्म में आपको कंप्लीट एज ए देखने को मिलता है फ्रॉन्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टाइप की भी प्रेजेंस है, लीफ की भी प्रेजेंस आपको दिख रही है, और लीफ के बीच में राचेज और पिना भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फ्रॉन्ट बेसिकली किसको बोला जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और ये एक पूरा जो सेगमेंट है वो क्या कहलाता है? ब्लैंड कहलाता है। फ्रॉन्ट ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं। तो फ्रॉन्ट बेसिकली क्या होता है? ब्लैंड प्लस टाइप प्लस रैचेस, इन तीनों को मिला दें तो हमारे पास एक कंप्लीट फ्रॉन्ट का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, ये तो मेन इनकी प्लांट बॉडी है। इस तरीके से जो फर्न है, टेरिडोफाइट्स हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखें कि जो ये टेरिडोफाइट्स हैं, इनकी जो लीव्स हैं उनके अंदर हम आते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लीव्स दिख रही है उनको हम स्पोरेंजिया, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, सोरीज प्रेजेंट रहती है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ये जो लीव्स होती है ये स्पोरोफिल्स लीव कहलाती है। इन स्पोरोफिल लीव्स के अंदर ये होते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर बेसिकली हमें स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर कौन होती है, स्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लोइड होती है। स्पोर मदर सेल आगे डिवीजन कौन सा करती है, मियोसिस डिवीजन करती है। मियोसिस डिवीजन करके वो आगे स्पोरेंजिया में ही मियोसिस डिवीजन करके वो क्या बनाती है, स्पोर। और ये जो स्पोर होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं एयर में, और एयर में रिलीज होकर कहीं दूर जाके सॉइल के अंदर ये क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कि स्पोर जो है वो यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है, ये फर्स्ट फेज, ये सेकेंड फेज, और यहाँ पे आपको थर्ड फेज देखने को मिल रही है। तो ये डेवलपिंग फेज है किसकी, गैमेटोफाइट की। ठीक है, तो स्पोर जैसे जैसे जर्मिनेट होता है तो सरफेस से अटैच होने के लिए वो क्या बनाता है, राइजोइड, और इस तरीके से फिर हमारे पास एक थैलस लाइक क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। ये जो गैमेटोफाइट होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, स्मॉल होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जिसको हम प्रो थैलस के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या है, प्रो थैलस, और प्रो थैलस के ऊपर जो सरफेस से अटैच होने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स की प्रेजेंस होती है। अब इस प्रो थैलस यानी कि गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन के अंदर अगर हम देखें तो एंथ्रीडियम एज अ मेल पार्ट रहता है, आर्किगोनियम एज ए फीमेल पार्ट रहता है। आर्किगोनियम अगर आप देखोगे तो ऐसे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर लिए होते हैं, और एंथ्रीडियम इस तरीके से कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं। एंथ्रीडियम से क्या बनते हैं, मेल गैमेट जो एज ए स्पर्म सेल के नाम से हम जानते हैं। और आर्किगोनिया के अंदर बेसिकली किसका फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एग आर्किगोनिया में बना। अब एग और जो स्पर्म सेल्स यानी कि एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो आपस के अंदर फ्यूज होते हैं, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट जो है वो फिर आगे डेवलप होता है। जायगोट आगे डेवलप होके किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो जो होता है फिर आगे डेवलप होता है किसके अंदर, मेन स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर, जिसके अंदर रूट भी है, राइजोइड भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, कंप्लीट एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और फिर वो जो है इस तरीके से मेन प्लांट के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके सामने कंप्लीट एक जो टेरिडोफाइट्स है इनका एक लाइफ साइकिल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर डिप्लोइड स्टेज अलग रहती है, हैप्लोइड स्टेज होती है वो अलग रहती है। गैमेटोफाइट जो है हैप्लोइड फॉर्म में रहता है, और स्पोरोफाइट है एज अ डिप्लोइड फॉर्म में होते हैं। दोनों ही जो स्टेज है एक दूसरे से अलग अलग रहती है, एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरीके से इनके अंदर हैप्लो डिप्लोंटिक या डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें ऊ गैमेट्स टाइप, क्योंकि अंदर दोनों गैमेट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊ गैमेट्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअली देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। टेरिडोफाइट्स को कितने ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है और उनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड करते हैं फोर क्लासेस में। तो डिवाइडेड into four classes, चार classes में ये divide होता है। कौन कौन सा, first है Psilopsida, second जो है
लाइकोप्सीडा, थर्ड है स्फेनोप्सीडा और फोर्थ है यहाँ पे टेरोप्सीडा। ठीक है, चार हमारे पास जो है वो देखने को मिलते हैं क्लियर कट इनके अंदर क्लासेस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सीलोप्सीडा जो क्लास है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और वो कौन सी है, सीलोप्सीडा क्लास। ठीक है, सीलोप्सीडा क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट एनी सेंट वास्कुलर प्लांट अगर पूछा जाए तो आंसर आएगा सीलोप्सीडा, मोस्ट एनीसेंट वास्कुलर प्लांट। ठीक है, इसी क्लास में रखे गए हैं। इस क्लास के अंदर मैनी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनकी जो इन इस क्लास के जो मेंबर होते हैं इनकी अगर बॉडी बात करें, देयर प्लांट बॉडी जो है इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम जो कि एज अ राइजोम के फॉर्म में होता है अंडरग्राउंड, ठीक है, और स्केली इनके पास लीव्स होती हैं और प्लस इनके पास राइजोइड्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। ये कुछ हद तक थोड़े बहुत सिमिलरिटी शो करते हैं, राइजोइड होना इनकी ब्रायोफाइट के साथ, लेकिन इनके पास सिमिलरिटी होती है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट एडवांस होते हैं क्योंकि इनके पास एनिसेंट वास्कुलर प्लांट बोला गया है, तो मतलब यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग जो है एग्जाम्पल हमारे पास सीलोप्सीडा का जो एग्जाम्पल हम देखें कौन सा रहता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सीलोटम जो कि एज ए लिविंग फॉसिल कहलाता है। डायग्राम देखें सीलोटम का किस तरीके से दिखता है, तो सीलोटम बेसिकली इस तरीके से दिखते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये इस तरीके से, यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं और स्टेम है और इन स्टेम के ऊपर स्केली लीव्स की प्रेजेंस देखने को मिलते हैं, तो कुछ इस तरीके के ये टैडोफाइट्स देखने को मिलते हैं सीलोप्सीडा। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग फॉसिल के फॉर्म में हमारे पास जो मेन एग्जांपल रहता है वो सीलोटम है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, सेकंड एग्जांपल हम रखते हैं वो है राइनिया, ठीक है, जो कि एज ए फॉसिल प्लांट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्लास पे और वो है लाइकोप्सीडा। ठीक है, लाइकोप्सीडा की अगर हम बात करें तो लाइकोप्सीडा को हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, क्लब मॉस। ठीक है, लेकिन मॉस वर्ड आते हैं हमारे दिमाग में चलते हैं ब्रायोफाइटा, अक्सर यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। मॉस, क्लब मॉस बेसिकली लाइकोप्सीडा यानी कि टेरोफाइट्स को बोला जाता है। ठीक है, तो क्लब मॉस जो है वो इसी क्लास के अंदर रखे गए हैं। इनकी अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है, शेटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ, रूट भी है इनके पास, स्टेम भी है और लीव्स भी है। लीव्स इनकी जो है वो ग्रीन होती है और फोटोसिंथेटिक होते हैं, जबकि सीलोप्सीडा की लीव्स जो स्केली लीव्स थी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक लीव्स है तो आपको पता है इनको हम ट्रोफोफिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनके पास तीसरी चीज़, इनकी जो लीव्स जो है स्पोरेंजिया को कैरी भी करती हैं, तो इसीलिए इनको हम स्पोरो फिलस लीव्स भी बोला जाता है जो कि टिप पे प्रेजेंट रहते हैं और इन स्पोरोफिलस लीव्स के ऊपर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया रहता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोबिलस या फिर कॉन के नाम से जाना जाता है, स्ट्रोबिलस बोलते हैं या फिर इनको कॉन बोला जाता है। बेसिकली ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ
स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे जो लाइकोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लाइकोपोडियम जिसको हम क्लब मॉस बोला जाता है, मेनली तो लाइकोपोडियम को ही क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो है सिलीजिनेला, जो कि एज यूजल लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस या बर्ड नेस्ट मॉस के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल लगते हैं वो है लाइकोपोडियम, ठीक है। लाइकोपोडियम जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको कॉमन क्लब मॉस बोला जाता है, और ये जो है वो एज ए मेडिसिनल प्लांट है, और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज किया जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है यहाँ पे सिलीजिनेला, सिलीजिनेला, ठीक है। सिलीजिनेला के अलग नाम है, इनको हम लिटिल क्लब मॉस भी बोला जाता है, ठीक है, लिटिल क्लब मॉस, इनको स्पाइक मॉस, और इनको बर्ड्स नेस्ट मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी एक स्पीसीज सिलीजिनेला की, जो कि सिलीजिनेला ब्रायोप्टेरिस है, सिलीजिनेला ब्रायोप्टेरिस है, इसको सजीवनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिलीजिनेला का डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी ने भी दिया है, और ये दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलीजिनेला है जो दिखाई देता है। सिलीजिनेला के अंदर अगर आप देखोगे कि वो स्ट्रोबेली यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है वो इस तरीके से अपर रीजन के अंदर देखने को मिलती है, तो ये डोर्सल व्यू भी दिखाया है, वेंट्रल व्यू भी आपके सामने है, सिलीजिनेला कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर सिलीजिनेला के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, ये इनके अंदर लीव्स होती हैं, ये मेन अंदर के साइड में स्टेम की ब्रेजेस देखने को मिलती है, और बीच में से यहाँ से क्या है रूट्स का भी फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिलीजिनेला दिखता है। उसके बाद हमारे पास सिलीजिनेला के बाद में जो थर्ड क्लास आती है वो है स्फेनोप्सिडा। थर्ड क्लास जो है वो कौन सी है, स्फेनोप्सिडा, ठीक है। स्फेनोप्सिडा की अगर हम बात करें तो इस क्लास के जो मेंबर हैं उनको, या फिर इन दिस क्लास हॉर्स टेल्स आर इंक्लूड, तो हॉर्स टेल्स जो है वो इसी क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और प्लांट जो होती है वो हॉर्स टेल की जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और राइजोम बोल सकते हो, और स्केली लीव्स यहाँ पे देखने को मिलती है। हॉर्स टेल की जो खास बात ये है कि इनके जो प्लांट है उनकी एपिडर्मिस पे सिलिका की प्रेजेंस होती है, यानी कि सिलिका इज प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है। अब इस सिलिका की प्रेजेंस की वजह से ही इनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी रफ हो जाता है, सरफेस ऑफ प्लांट बिकम रफ, ठीक है। अब इसी वजह से अगर दो इफ टू हॉर्स टेल प्लांट्स कोल्ड हो जाए एंड देन वो एक दूसरे से फ्रिक्शन करें, देन ये बड़ा ही डेंजरस हो जाएगा, देयर इज ए डेंजरस
चांस ऑफ फायर, क्योंकि अगर दो हॉर्स टेल की जो लीव्स हैं या फिर उनकी जो ब्रांचेज है आपस में फ्रिक्शन करेंगी तो फिर वो फायर जनरेट होगी, और यही मेन कारण होता है फॉरेस्ट फायर का इन दी फॉरेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि इनकी सिलिका की जो प्रेजेंस है एपिडर्मिस में देखने को मिलती है। स्पोरेंजिया अगर देखा जाए तो इनकी स्पोरेंजिया एक अलग ही स्पेशल ब्रांच पे फॉर्म होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया देखा जाए तो एक स्पेशल ब्रांच पे बनती है ब्रांच और ऑफ स्टेम, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पोरेंजियो फोर बोला जाता है। ठीक है, अब स्पोरेंजियो फोर जो है आर अरेंज इन अ ग्रुप एंड फॉर्म ए लॉन्ग एंड कंडेंस्ड कॉन। तो ये स्पोरेंजियो फोर्स होते हैं, ये अरेंज्ड हैं इन ए ग्रुप में और ये फॉर्म करते हैं एक लॉन्ग एंड कंडेंस्ड कॉन। ठीक है, सो एपिकल पार्ट के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, एंड दिस कॉन इज फॉर्म्ड एट द एपिकल पार्ट ऑफ एरियल स्टेम। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वी सीटम प्लांट जिसको हम पाइप के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम देखें इस प्लांट का किस तरीके से एनसीईआरटी ने भी गिवन किया हुआ है, इस तरीके से हमें इक्वी सीटम प्लांट है वो देखने को मिलता है। इक्वी सीटम प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो रूट की भी प्रेजेंस क्लियरली अपीयर हो रही है, राइजोम है, ट्यूमर लगे रहते हैं, इस तरीके से इनके अंदर स्टेराइल स्टेम और फर्टाइल स्टेम दोनों देखने को मिलती है। जहाँ पे ये स्ट्रोबिलिस जो बनता है वो इस तरीके से एक ग्रुप में बनता है, जिसके ऊपर बनता है उनको स्पोरेंजियो फोर बोला जाता है, और इसके अंदर से स्पोर और स्पोर को स्प्रेड करने के लिए ई लेटर्स की प्रेजेंस इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो डायग्राम है वो इक्वेसिटम का है, और इक्वेसिटम के टिप पर स्ट्रोबेली की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो बहुत इजीली आपको नोड और इंटर नोड की प्रेजेंस आपको अपीयर होगी। ये क्या है, इंटर नोड है, तो नोड और इंटर नोड ईजिली यहाँ पे अपीयर होते हैं जो है इक्विसीटम है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास जस्ट लास्ट क्लास आती है वो है यहाँ पे टेरोप्सीडा। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो है टेरोप्सीडा। ठीक है, टेरोप्सीडा जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है पहली चीज़ तो, और इसके जो प्लांट्स होते हैं उनको मेनली फर्न के नाम से जाना जाता है, तो कॉमनली कॉल्ड फर्न्स बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टेरोफाइट जो होते हैं वो फर्न्स ही होते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ टेरिडो फाइट्स आर फर्न्स। ठीक है, तो मेन जो प्लांट होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, फर्न्स ही होते हैं, और फर्न्स का अगर हम डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। फर्न्स जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको क्लियरली डायग्राम देखने को मिल रहा है, रूट्स की भी प्रेजेंस है। ठीक है, ये रूट्स हैं, राइजोम भी प्रेजेंट है, ये इस तरह की जो सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं इनको हम रेमेंटा के नाम से जानते हैं, एडवेंचरस रूट इनके पास प्रेजेंट होती है, एडवेंटियस रूट है, और फ्रॉन्ड और ब्लेड की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से ये फर्न जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इन फर्न्स के ऊपर जो लीव्स हैं वो दोनों तरह की देखने को मिलती है, मेगा और माइक्रो। यहाँ पे जो आपको माइक्रोफिलस लीव्स यानी कि ये जो लीव्स है वो कौन सी है,
माइक्रोफिलस लीव्स देखने को मिलती है, वहीं अगर हम मेगाफिलस की बात करें तो हमारे सामने डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे जो लीव्स हैं आपको क्लियरली देखने को मिल रही है, ये जो लीव्स हैं ये कौन सी है, मेगा फिलस लीव्स आपके सामने है। तो इस तरीके से आपके सामने दोनों तरह के फर्न्स देखने को मिल रहे हैं, मेगा और माइक्रोफिलस के। जो फर्न्स होते हैं वो बेसिकली मेगाफिलस ही रहते हैं, कुछ माइक्रोफिलस भी होते हैं, राइजोम इनका होता है स्मॉल, लीव्स जो होती है वो लार्जर भी हो सकते हैं और स्मॉल भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनके ऊपर जो मल्टी सेलर हेयर प्रेजेंट होते हैं, यंग लीफ और यंग राइजोम, जो कि इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, ये यंग राइजोम पे इनको हम क्या बोलते हैं, रोमेंटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है वो एज ए प्रोटेक्शन का फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और रोमेंटा जो है वो क्या होते हैं, मल्टी सेलर हेयर होते हैं जो यंग राइजोम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो किसका है, साल्वेनिया का, जो कि एक एक्वेटिक फर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज लीफ और स्मॉल लीफ दोनों का एग्जांपल आपके सामने है। फर्न्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता ट्रोफोफिलस एंड स्पोरोफिलस के अंदर, क्योंकि एवरी लीफ ऑफ फर्न फॉर्म स्पोरेंजिया एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब फर्न्स के अंदर कॉर्न्स का फॉर्मेशन नहीं होता, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रोफोफिलस एंड स्पोरोफिलस इन फर्न, दैट इज एवरी लीफ ऑफ फर्न फॉर्म्स स्पोरेंजिया एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये सारी लीव्स इनकी जो होती है वो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए देयरफॉर कॉर्न्स आर नॉट प्रोड्यूस इन फर्न्स, ठीक है। अब देखते हैं इनके एग्जांपल वो किस किस तरीके से हमारे सामने आते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एजोला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एजोला, एजोला पे काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। एजोला जो है वो एक्वेटिक फर्न है। एजोला एज ए स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट भी कंसिडर किया जाता है, टेरिडोफाइट, और एजोला एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो आता है एडिएंटम। अब कभी कभी एडिएंटम एज डायरेक्ट दिया जाता है कि क्या है, तो एडिएंटम एक वॉकिंग फर्न है, टेरिडोफाइट का एग्जांपल है। क्यों वॉकिंग फर्न बोला जाता है, क्योंकि ये रैपिडली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, या रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी ये स्प्रेड हो जाता है, दैट मीन ये स्प्रेड वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। उसके बाद में हमारे पास ये मेन एग्जांपल है, और अगर हम लार्जेस्ट टेरिडोफाइट का एग्जांपल ले तो एलोसोफिला जो है वो एज ए ट्री फर्न है, ठीक है। और ये एग्जांपल है लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा का।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आ चुके हैं यहाँ पे, एजोला, साल्विनिया, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें इनका, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी जाए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टेरिडोफाइट्स की, तो पहली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ये एज ए सोइल बाइंडर यूज़ किए जाते हैं। सेकंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये मेडिसिनल वैल्यू इन प्लांट्स की काफ़ी रहती है। तीसरा, ये एज ए ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल प्लांट है। फोर्थ, इनसे फूड भी ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि मार्सेलिया हुआ, मार्सेलिया ठीक है, जो कि वाटर फर्न है और स्टार्च कंटेन करता है, कि अच्छा सोर्स है फूड के लिए। ठीक है, तो ये कैसा फर्न है, वाटर फर्न है और ये फूड सोर्स है, आयरन स्टार्च बेसिकली स्टोर करता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हो कि काफ़ी सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे टैडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो टैडोफाइट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म के करैक्टरिस्टिक्स और देखेंगे जिम्नोस्पर्म है वो बाकी के अभी तक जो प्लांट किए हैं इनसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।